हेलो एवरीवन, एक टर्म है रिएक्शन में आता है, रिफ्लक्स इट फॉर 30 मिनट्स, रिफ्लक्स इट फॉर 45 मिनट्स। तो बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर रिफ्लक्स क्या होता है, रिफ्लक्स क्या होता है। तो इसलिए मैं ये लेकर के आया हूँ आपको समझाने के लिए कि रिफ्लक्स क्या होता है। देखो ये जब एक इसमें क्या है, ये रिएक्शन मिक्सचर है, जिसको रिएक्शन करवाना है इसमें क्या है, रिएक्टेंट है, सब्सट्रेट प्लस रिएजेंट जो भी है, इसको हीट कर रहा है, ये हीट कर रहा है। रिफ्लक्स का यूज तभी होगा जब उसको हीट करता है रिएक्शन मिक्सचर को। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो होगा क्या, ये जो इसमें लिक्विड है वो वेपोराइज होगा, राइट। तो वेपर बन के क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, ठीक। तो ये कंडेंसर इस पे लगा के, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको क्या बोलते हैं, ये यहीं तक है ये, ठीक है, आरबीएफ राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। तो इसको हीटिंग मेटल में हीट करो, बर्नर से हीट करो, जैसे हो हीट करो आप। तो हीट करोगे तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो वेपराइज होगा, उसका वेपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं, आरबीएफ भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं, कंडेंसर, एसीआर एसओआर होगा जो भी, चेक कर लेना, कंडेंसर बोलते हैं। इसमें आप देखोगे यहां से, फिर हम क्या करते हैं, यहां से कोल्ड वाटर डालते हैं और यहां से फिर ये वाटर आउटलेट है, तो रबर ट्यूब लगा दिया, रबर ट्यूब लगा दिया और नल से उसको अटैच कर दिया, तो यहां पानी आएगा, ठंडा पानी इधर जाएगा। अच्छा, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, एक ये अंदर सा ट्यूब है, ये अंदर पाइप है एक, और उसके आउटर में ये जैकेट टाइप का है। तो बाहर में क्या हो गया, ठंडा पानी, अंदर में क्या जा रहा है, वेपर। तो अंदर भी वेपर जाएगा और बाहर में अगर ठंडा पानी रहेगा तो क्या कर देगा, वो वेपर को फिर वो लिक्विफाई करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वेपर जा रहा है, यहां तक ज्यादा जाएगा, ऊपर जाने ही नहीं देगा, ऊपर जाएगा तो वो ठंडा होकर के फिर वापस इसमें आएगा, तो फिर हीट होगा, वो बार बार हीट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लक्स, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लक्स। अगर इसको पानी अगर नहीं डालोगे, अगर पानी नहीं डालोगे तो फिर क्या होगा, ये सारा वेपर बाहर निकल जाएगा इधर, ठीक। अच्छा, इसी को अगर इस तरह से लगा लो दूसरे तरह से, तो वो अगर वेपर को फिर इकट्ठा कर लो तो उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। इस वेपर को अगर सपोज ये जो लगाया है कंडेंसर, हमने कंडेंसर को ऐसे कर देंगे, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, डिस्टिलेशन उसको बोलते हैं। तो ठंडा होगा लेकिन वापिस इसमें नहीं आएगा, वो हम कलेक्ट कर लेंगे, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, राइट। एक और टर्म होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन, उसके आगे भी टर्म होता है स्टीम डिस्टिलेशन, तो सबको अलग अलग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं जैसा समझता हूं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखोगे, ठीक है। इंजॉय करो, बाय।